कई लोग ऐसे होते हैं उसके पास कुछ न कुछ बहाना तैयार है, आज ऐसा हो गया तो ये नहीं हुआ, आज थोड़ा सा ऐसा हो गया तो ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। यही आपका जीवन का आधार है, यही आपके जीवन का अमृत है। ये संसार व्यवहार आपके जीवन का अमृत नहीं है, ये अभी नहीं मालूम पड़ेगा, चारों तरफ से आपको लेने के लिए घेर कर यमदूत आएंगे तब मालूम पड़ेगा, तब तो समय नहीं रहेगा। अंधो अंधी बे तपसी यानी मूर्ति खड़खड़ हंसी, राजा दशरथ कुछ सामने, राम भी सामने नहीं रहे, अंधो अंधी बे तपसी खड़खड़ हंस रहे थे, जैसे हम हमारे पुत्र के बिना मरे वैसे आप भी अभी मर रहे हैं। ये है कर्मों का खेल, हमारे जीवन में भी ऐसा होगा, हमने जो जो कर्म किए हैं वो अंत समय आपके सामने ही सब खड़े रहेंगे। जितना भोग लिया वो सब नष्ट हो गया, लेकिन जितना कर्म भोगना है ये सभी अंत समय आपको मिलने के लिए आएंगे। इसलिए हर पल, और बहुत दिल से मैं कहता हूं, सभी कर्मों का पराश्रित शिव अर्चन है, शिव का भजन है। कर्मों के बंधन में से और कर्म के पापों में से अच्छे बुरे कोई भी बांध सकते हैं। पुण्य करो तो भी बंधे जाओगे और पाप करोगे तो भी बंधे जाओगे। पुण्य करोगे तो कर्म में बंधोगे तो सुख मिलेगा, लेकिन पाप करोगे कर्म में बंधोगे तो दुख मिलेगा। लेकिन बंधन तो दोनों तरफ है, इसलिए कुछ सुख भी नहीं, कोई दुख भी नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई पाप भी नहीं। जो कुछ हो रहा है शिव की लीला है, दृष्टा बने, साक्षी स्वरूप बने, बस अपने को पहचाने और निरंतर अपने स्व को मंगलमय बनाए, उनका नाम है जीवन।